नमस्कार नमस्कार, इधर आइए। कहाँ चली मेरी जान? मेरी जान? और क्या कहे सामान? अरे यार, ये नहीं पूछोगे कि कहाँ से आ रही हो? चलो यही पूछ रहे थे, कहाँ से आ रही मेरी जान। यार अंडे लेने गए थे बनिया की दुकान से। अच्छा, पड़ोसी को देने जा रहे हैं। पड़ोसी को देती रहोगी, हमको नहीं दोगी? हमारा भी ख्याल करो। पड़ोसी पैसे देते हैं, तुम क्या पैसे देते हो क्या? क्या फ्री में थोड़ी लेंगे, हम भी पैसे देंगे। हाय हाय, बड़े आए देने वाले पैसे। क्यों? जाओ जाओ अपनी मुर्गी की दुकान संभालो। मैं वो मुर्गी नहीं हूँ जो जाल में फंस जाऊं। अच्छा, बहुत ज्ञानी हो। बहुत ज्ञान तुम्हारे पास। तुमसे ज्यादा ज्ञान है मेरे पास। तो मेरे एक बात का सवाल का जवाब, तुमसे ज्यादा समझदार है हम। मेरे एक सवाल का जवाब दे सकती हो? बताओ, सोच समझ लो, पूछ, बताओ। देखिए, जिसके पास होता है, क्या होता है, वो डाल के हिलाता है, है? और जिसके पास नहीं होता है वो उंगली से काम चलाता है। बड़ा बेहुदा सवाल है यार तुम्हारा। सीधा सीधा सवाल है मैडम, समझने की कोशिश करो। टूथपेस्ट की बात हो रही है। जिसके पास टूथपेस्ट होता है वो ब्रश होता है, वो लगाया और जिसके पास नहीं, बेचारा उंगली से काम चलाता रहता है। वाकई बहुत बड़े वाले हो। कौन बड़े वाले? हरामी, हरामी। बस अपना हिसाब कर लो, समझे? अरे बात क्या? अब मेरा हिसाब करो, मुझे पैसे दो, अपनी दुकान संभालो, मैं अब तुम्हारी दुकान में काम नहीं करूंगा। अरे मेरी बात सुनो, क्यों कर आप ऐसे पजामे बाहर हुए जा रहे? बात क्या है यार? बात क्या है? हाँ। तुमने मुर्गे की दुकान पे मुझको रख दिया। तुम अंदर जाओ, हम समझेंगे इसकी बात को। समझ लेना, बहुत बिगड़े दिमाग आदमी है। बात क्या हुई मेरी जान? तू तो मेरा मेरा चश्मो चिराग है। चश्मो चिराग है, हाथ हटाओ। अबे औरत ने मारा? हाँ। बड़े भागशाली हो कि जो औरत ने जूती आया। हाँ। और तेरी औरत तुझे मारती ही रहती। अरे मारती रहती, तुम्हारी दुकान पे मारा। हाँ। परी बाजार मारा। हाँ। तो तुझे मेडल मिलना चाहिए। मेडल क्या मिलना चाहिए? मालूम क्या हुआ? क्या? तुमने मुर्गे की दुकान पे मुझे बैठा दिया। बैठा दिया, मुर्गा बेच रहा था। एक मुर्गा खरीदने औरत आई। औरत आई मुर्गा खरीदने? हाँ। मुर्गा खरीदने औरत आई? हाँ। उसको मुर्गी लेनी चाहिए, मुर्गा क्यों लेने? मुर्गा लिया। हाँ। फिर बात क्या हुई? क्या हुई? उसने कहा मुर्गा दिखाओ, मैंने उसे एक मुर्गा दिखाया। हाँ। और जैसे मैंने मुर्गा दिखाया, उसने मुर्गे के नीचे हाथ डाल दिया। हाँ। नीचे हाथ डाल दिया। हाँ। फिर क्या हुआ? कहती क्या है, ये बिहार का है। मैंने कहा अच्छा, ये मुर्गा नहीं पसंद? बोले नहीं, बिहार का मुर्गा नहीं पसंद, बिहार का नहीं पसंद। फिर मैंने उसको दूसरा मुर्गा निकाल के दिखाया, उसने देखा और देखते साथ ही फिर हाथ डाल दिया। औरत थी के बवाले जान थी। हाथ डालते ही और देख के बोली क्या? हाँ। ये मुर्गा यूपी का है। हाँ। मैंने कहा क्या करूं? फिर मैंने तीसरा मुर्गा निकाल के दिखाया। हाँ। और जैसे ही मैंने उसे तीसरा मुर्गा निकाल के दिखाया, उसने हाथ डाला और कहती क्या है, ये पंजाब का है। तो मैंने कहा ठीक है, खरीद लीजिए। उसने ले लिया और लेने के बाद पैसे दिए और देने के बाद मुझसे बोली, तुम कहां के हो? तो मैंने कहा नीचे हाथ डाल के देख लो। बस जैसा ही मैंने कहा हाथ डाल के देख लो, उसने उतारा, धै धै धै, मुझे लाल कर दिया। अबे जूते वाला खाने वाला काम तूने किए ही है। अबे तुझे वो पूछ रही है? अबे किसी औरत से कहेगा नीचे हाथ डाल के देख ले तो फिर जूते चलेंगे चलेंगे। अरे रब्बा, तुम पागल, पूछो क्या हुआ? क्या हुआ? एक पागल खाने में। हाँ। एक पागल आया। अच्छा। डॉक्टर ने उसको देखा। हाँ। और देख के बोला, जो एक पागल है उस पागल के पास इसको भी ले चलो। तुमको? अरे पागल को। अच्छा। पागल खाने में पागल आए आया तो कहता क्या है वो पागल? मैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हूँ। अच्छा। डॉक्टर बोला ये तो बड़ा खतरा है, एक पहले से पागल वो कह रहा है शहंशाह अकबर चाहो जलाल की कसम। जब उस पागल को देखा तो डॉक्टर ने कंपाउंडरों से कहा इसको ले चलो। दूसरा पागल भी अकबर था। अच्छा। दोनों जाके उस अपने पागल खाने के कमरे में बंद हो गए। डॉक्टर ने सोचा कि कोई ना कोई बात तो जरूर होगी, एक उसमें हो सकता है अकबर हो। लेकिन सस्पेंस हुआ, रात भर झगड़ा हुआ। किस बात का? आवाज होती रही। अच्छा। डॉक्टर कान लगा के सुनता रहा खिड़की से, कोई बात समझ में नहीं आई। फिर? जब सुबेरे आया पागल। हाँ। बाहर तो एक सस्पेंस में था और दूसरा एकदम तैयारी से कहता क्या है, हम जाओ जलाल की कसम अकबर हैं। दूसरे से पूछा डॉक्टर ने। हाँ। कि आप अकबर हैं? तो वो कहता क्या है,
मैं जोधा बाई हूँ। अबे तू ये बका।